बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने दादरी कांड को लेकर एसपी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को ललकारा है। लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने कहा है कि मां का दूध पिया है तो दादरी कांड के तीनों आरोपियों के नाम सार्वजनिक करें। साथ ही उन्होंने मुजफ्फरनगर कांड पर भी सरकार को घेरा है। लक्ष्मीकांत ने दादरी कांड के पीड़ित परिवार के लिए 45 लाख के मुआवजे की मांग की है। बीजेपी विधायक संगीत सोम का मीट फैक्ट्री से संबंध होने की बात भी प्रदेश अध्यक्ष ने स्वीकार की है। वहीं लक्ष्मीकांत ने मांग की है कि बरेली में पशु तस्करों से लोहा लेने वाले इंस्पेक्टर के परिवार को भी मुआवजा दिया जाए। क्यों सीओ जियाउल हक मरेंगे तो 50-50 लाख रुपए की दो सहायता और दो नौकरी मिलेंगी, अखलाक मरेंगे तो 45 लाख रुपए की सहायता मिलेगी और एक नौकरी मिलेगी, और मनोज मिश्रा मरेगा बरेली में फरीदपुर कोतवाली का इंस्पेक्टर, पशु तस्कर ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी ने उसको मारा, 9 साल और उससे नीचे के 3 बच्चे और विधवा पत्नी, 45 रुपए भी नहीं। सपा मुखिया की मां ने दूध पिलाया तो खोले तो बताएंगे सपा मुखिया। मौलाना नजीर 66 कोतवाली में जिसका मदरसा है उसके वो भी उन्हीं धाराओं में मुलजिम है जिसमें संगीत सोम और सुरेश राणा मुजफ्फरनगर के, उनका मन बना उस फैक्ट्री में काम करने का, इसमें कोई संदेह नहीं। नंबर एक, एक फर्म बनी, फर्म बनने के बाद एक ईंट नहीं लगी, एक मशीन नहीं आई, एक पशु नहीं कटा, किसी कारण से भी वो 3 साल बाद पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। ठीक, इतना अपराध तो है कि मन बना था उनका।